मोदी जी अपने वोट से जीत गए थे, 140 करोड़ की जनता से जीते थे। देश का विकल्प राहुल जी है। पेट की बात कीजिए ना भाई, आपके मन की बात से पेट थोड़ी भरेगा। वो ऐसा नौबत का है आगे कि आप फ्री राशन दे रहे हैं। एक व्यक्ति लाखों की भीड़ के साथ 4000 किलोमीटर की पद यात्रा। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है और राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है। देश का 140 करोड़ जनता है। मोदी जी अपने वोट से जीत गए थे, 140 करोड़ की जनता से जीते थे। देश का विकल्प राहुल जी है। राहुल जी भारत जो यात्रा निकाल रहे थे, भारत को जोड़े हैं। आपका विकल्प कौन है? भारत कोई भूखंड नहीं है कि उधर से जोड़ो इधर से। तो भारत दो दिलों का मिश्रण है। भारत सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सबका मिश्रण है। जिस तरह नफरती भाषण से अंग्रेज गोली मारो सालों को जो उनके सांसद बोलते हैं, उनके मंत्री बोलते हैं, इस तरह नफरती भाषणों से जो देश आहत हुई है उसको जोड़ने निकले थे। ये लोग भारत को भूखंड समझे। और जहाँ तक बात रहा, हमने ही भूखंड को संभाल कर रखा था। ये लोग तो नफरती भाषण बजने वाले हैं, चिंटू टाइप के हैं, झूठ सच बतियाते रहना केवल। टक्कर की बात करें या उखाड़ कर फेंकने की बात हो रही है, राहुल जी 24 में कमर कस चुके हैं। भाजपा 100 सीट के अंदर सिमट रही है, देश में कांग्रेस सरकार आ रही है। राहुल जी ने भारत जोड़ा, राहुल जी ने काम किया, लोगों से मिला जुला, चाय के चर्चे सब चीज़, लेकिन ये तो परीक्षा का चर्चे कर रहे हैं। जो परीक्षा खुद दिए नहीं, जो खुद अपनी डिग्री दिखाते नहीं है, लेकिन बच्चों को बता रहे ऐसे किया करो। मन की बात करते, जन की बातें नहीं करते, धन की बातें नहीं करते। पेट की बात कीजिए ना भाई, आपके मन की बात से पेट थोड़ी भरेगा। वो ऐसा नौबत का है आ गया कि आप फ्री राशन दे रहे हैं। आप दे रहे फ्री राशन तो ये रेवड़ा हो गया। आज कांग्रेस अगर फ्री करे तो रेवड़ी हो गया। इस मानसिकता से बचनी होगी। हम वहाँ देखिए, कर्नाटक में जीते महिला, वो कर्नाटक में जीता कांग्रेस, वहाँ बस फ्री कर दिया गया महिलाओं को, तो रेवड़ी हो गया। और मोदी जी अगर राशन दे तो रेवड़ा हो रहा है। इस पर मोदी जी नहीं बोलेंगे। और राशन क्या आज पहली बार मिल रहा है? राशन की योजना भी कांग्रेस लाई थी, मोदी जी थोड़ी लाए। मोदी जी का अपना कोई योजना ही नहीं है। आज जो योजना है वो सफल ही नहीं हुआ। वो बजरंग बली अपना आशीर्वाद दे दिए राहुल जी को। बजरंग बली जी कर्नाटक में जिस तरह आशीर्वाद दिए हैं, 24 में फिर आशीर्वाद दे दिए और पूरा उखाड़ के फेंका जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में मामा जाएंगे अभी घामा में। उनका कोई उपाय नहीं है। मामा इस बार घामा में जाने वाले हैं और देश में से मोदी जी जाने वाले हैं। अरे आप देखिए ना, राहुल जी अकेले कन्याकुमारी से निकले थे। क्या मोदी जी निकल सकते? 10 मिनट पैदल चलेंगे। दिल्ली में तो यात्रा 5 किलोमीटर का गाड़ी से करते हैं। राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किए अकेले चले थे। लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ते गया, मोदी से कहाँ कोई जुड़ रहा है? वो तो गाड़ी पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उससे थोड़ी कुछ होने वाला है। देश आम आवाम से जुड़ता है, देश नफरती भाषण से नहीं जुड़ता है। हम आम आवाम की बात करते हैं, नफरती भाषण नहीं करते। राहुल गांधी का शासन का ही सरकार है छत्तीसगढ़ में, बेरोजगारी दर खत्म है। तो हमें बेरोजगारी दर खत्म करने वाला चाहिए ना भाई, कि मामा जी का सरकार का चाहिए जहाँ बेरोजगारी दर भारत में सबसे ज़्यादा है। तो मोदी का सरकार नहीं चाहिए जहाँ बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। राहुल जी का सरकार छत्तीसगढ़ में, वहाँ बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो भाई युवाओं के लिए तो रोजगार है, कंधे थोड़ा हल्के हैं, इससे थोड़ा भार चाहिए। सरकार मुझे रोजगार चाहिए, जुमलेबाज तो कोई नहीं आएगा, देश बेजो तंत्र तो कोई नहीं आएगा, लोग काम करने आएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए काम किए, लाल बहादुर शास्त्री जी आए काम किए, इंदिरा जी आए काम किए, राजीव जी आए काम किए। देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो केवल बतौलाबाजी करता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, बिहार का कहावत बोला राजा जी, राहुल बोलिए मिठाई भाई, ये वही वाला आदमी है। केवल मीठा बोलता है, काम तो कुछ करना है नहीं। काम राहुल जी कर रहा है, काम इंदिरा जी की, काम राजीव जी के, काम नेहरू जी के, काम शास्त्री जी किए हैं, आने वाले समय में काम राहुल जी करेंगे। एक व्यक्ति लाखों की भीड़ के साथ 4000 किलोमीटर की पद यात्रा। इससे पहले आपको याद होगा, सबसे चर्चित अगर कोई यात्रा रही हो तो 1990 का सोमनाथ से अयोध्या का रथ यात्रा था। उस रथ यात्रा के बारे में जब आप क्यूरी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि जहाँ जहाँ से वो रथ यात्रा गुजरी है वहाँ वहाँ दंगे शुरू हो गए। और यहाँ भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ से शुरू हुई है वहाँ वहाँ प्रेम का माहौल बढ़ा। ये जमीनी बात है, ऐसा नहीं है कि ये शाब्दिक खेल है, जमीनी बात है। वहाँ वहाँ प्रेम का, जिसका एक असर आपको कर्नाटक में दिखा है। तो जो परसेप्शन बना के उनकी छवि को गिराने की कोशिश की गई थी, उन लोगों के मुंह पे समझ लीजिए कालीख लगी है। तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है, पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जो कर्नाटक में हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी होगा, वो राजस्थान में भी होगा, और आने वाले 2024 के आम चुनाव में पूरे देश में होगा, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। तो जो राहुल गांधी जी ने त्याग किया है या जो खोया है इस देश के लिए, वो मेरे को नहीं लगता कोई पार्टी या कोई नेता अपने खो पाएगा, क्योंकि उनके पिताजी शहीद हुए, दादी शहीद हुई, तो इस तरीके से उनका तो संघर्षमय जीवन है। ऐसा नहीं कि आज संघर्ष कर रहे हैं, उनका तो बचपन से लेके आज तक संघर्ष है। और ये संघर्ष कोई उनके लिए नहीं है, ये तो तमाम पूरी जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को ऊपर लाने के लिए, किसानों को उनके वास्तविक मूल दिलाने के लिए,
उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो उनके जिंदगी में तो संघर्ष पूरा आजीवन चला आ रहा है उनके परिवार का। राहुल गांधी जो एक ऐसा चेहरा है जो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत इंक्लूसिव होकर सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इज प्योर सिंपल, जैसे हैं वैसे हैं। मोदी के आते ही ना हीरोइज्म, बड़े बड़े कैमरा, वो रेड कारपेट, वो रैम वॉक, तो राहुल गांधी बहुत सिंपल है, सबसे मिल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, अपनापन आता है। मोदी को देखकर अपनापन नहीं आता। देखिए, एक नारा दिया गया था, मोदी नहीं तो कौन, अब साफ साफ पता चल गया मोदी जी ने बहुत पूछा मोदी नहीं तो कौन, मैं बोलती हूँ मोदी नहीं तो राहुल गांधी। मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है, मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है और राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है। मोदी नहीं तो राहुल गांधी।